ऑल राइट गुड इवनिंग एवरी बॉडी दिस इज़ एक्चुअली इवनिंग टाइम ये शाम का वक्त है एंड अगेन आई एम हेयर विद अ स्टोरी मैं फिर से यहाँ हूँ एक स्टोरी के साथ एंड दिस इज़ अ वेरी सिंपल स्टोरी एक बहुत सिंपल स्टोरी है बट वेरी इंटरेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग है रुचिकर है स्पेशली आई एम डूइंग दिस सेशन आई एम मेकिंग दिस स्टोरी फॉर दोज उन लोगों के लिए जो अभी शुरू कर रहे हैं जो इंग्लिश पढ़ना शुरू कर रहे हैं पीपुल हु आर जस्ट स्टार्टिंग टू यू नो रीड इंग्लिश तो जब भी कोई शुरू करता है एनी बडी हुटार्ट्स उसको थोड़ी दिक्कत तो थो होती है इन दैट केस आसान चीज़ से शुरू करना चाहिए वन शुड स्टार्ट विद सिंपल थिंग्स सो फॉर बिगीनर्स दिस इज़ अ वेरी सिंपल बट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट तेनाली रामन ये तेनाली रामन के बारे में है ये वॉज अ वेरी विटी वेरी इंटेलिजेंट मैन बहुत ही बुद्धिमान और बहुत इंटेलिजेंट आदमी था सो लेट्स बिगिन द स्टोरी चलिए पढ़ते हैं इस स्टोरी को दे वॉज एन एरोगेंट वुमन देर वॉज थी देर का कोई मतलब नहीं होता है देर मतलब वहाँ होता है पर देर जब सब्जेक्ट का काम करता है तो इट हैज़ नो मीनिंग इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है सो देर वॉज मतलब थी एन एरोगेंट woman एरोगेंट मतलब होता है बहुत ही घमंडी एक औरत थी नेम्ड जिसको बुलाया जाता था नाम से नेम मतलब नाम से बुलाना तो नेम्ड जिसका नाम रखा गया था नाम से बुलाया जाता था क्या नाम था विद्युलता विद्युलता नाम की औरत थी इन द विजयनगरम विजयनगर किंगडम विजयनगर राज्य में किंगडम में शी वॉज प्राउड वह प्राउड थी उसको गर्व था ऑफ हर एकम्पलिशमेंट्स अपने जो एकम्पलिशमेंट्स थे उसके एकॉम्प्लिशमेंट का मतलब होता है उपलब्धि जो उसकी एकॉम्पलिशमेंट्स उपलब्धियाँ थी हर मतलब अपनी अब शी वॉज प्राउड और प्राउड थी ऑफ हर एकॉम्प्लिशमेंट्स अपनी एकॉम्प्लिशमेंट्स या उपलब्धियों को लेकर व उसे गर्व था एंड लव्ड और उसे मजा आता था वो प्रेम करती थी शोइंग ऑफ शो ऑफ मतलब प्रदर्शित करना हर इंटेलिजेंस अपने इंटेलिजेंस को शो ऑफ करना उसे अच्छा लगता था वन डे एक दिन शी पुट अप उसने लगा दिया पुट अप मतलब लगाना अ बोर्ड एक बोर्ड लगा दिया आउटसाइड हाउस अपने घर के बाहर ऑफरिंग देते हुए ऑफर करते हुए एनी किसी को भी वन थाउजेंड गोल्ड क्वेंस एक हजार सोने के सिक्के इफ यदि दे कुड आउट स्मार्ट यदि वो आउटस्मार्ट कर सकते थे आउटस्मार्ट मतलब किसी को बुद्धि में हरा देना हर विथ विजडम एंड इंटेलिजेंस अगर उसके विथ बुद्धिमता को विजडम बुद्धिमानी को और इंटेलिजेंस को उसके तेजपन को अगर कोई आउटस्मार्ट कर सकता था तो उसको एक हजार गोल्ड क्वेंस देती फिर क्या हुआ मैनी स्कॉलर्स कई विद्वान टुक अप उन्होंने हाथ में लिया हर चैलेंज उसकी चुनौती को बट लेकिन शी कुड नॉट बी डिफीटेड उसे हराया नहीं जा सका कुड नॉट बी डिफीटेड उसे हराया नहीं जा सका पैसे वॉइस है, दिस इज ये है अनटिल जब तक कि वन डे एक दिन मैन एक आदमी सेलिंग फायरवुड बेच रहा फायरवुड लकड़ी आग जलाने वाला अराइव पहुंचा तब तो दिस इज ये चलता रहा ये हुआ ये है मैन तक, तक, एक, एक आदमी सेलिंग फायरवुड बेच रहा फायरवुड अराइव पहुंचा ही स्टार्टेड वो शुरू कर दिया शाउटिंग चिल्लाना ऑन टॉप ऑफ हिज वॉइस ऑन टॉप ऑफ हिज वॉइस मतलब अपने आवाज के एकदम टॉप पर खूब जोर जोर से चिल्लाने लगा आउटसाइड उसके दरवाजे के बाहर इरिटेटेड गुस्साई हुई शाउटिंग उसके शाउटिंग से शोर मचाने से विद्युलता मैन विद्यूलता ने उस आदमी से कहा uh, बेचने के लिए उसको उस औरत को हिज फायरवुड अपना uh, आग वाला लकड़ी फायरवुड फिर क्या होता है देखिए फिर होता यू है कि द मैन वो जो आदमी है द मैन सेड उसने कहा ही वुड सेल कि वो बेचेगा हर उसको उस औरत को फायरवुड अपनी लकड़ी इन एक्सचेंज फॉर के बदले में किसके बदले में अ हैंडफुल ग्रेन एक मुट्ठी ग्रेन या अनाज के एवज़ में बेचेगा मतलब एक एक हैंडफुल ग्रेन मतलब एक मुट्ठी जब अनाज उसको मिलेगा तो लकड़ी देगा शीअ्रीट वो सहमत हो गई या नास्क ढिम और उसने पूछा उससे टू पुट द फायरवुड आस्क मतलब कहना भी होता है तो उसने कहा उससे हिम उस पुरुष से जो बेच रहा था उससे कहा टू पुट द फायरवुड लकड़ी को रखने के लिए इन द बैकयार्ड बैकयार्ड मतलब पीछे आंगन में हावेर हालांकि द मैन इंसिस्टेड उस आदमी ने जिद किया दैट शी हैड नॉट अंडरस्टूड है उसने नहीं समझा था वॉट एक्चुअली आस्क फॉर लेकिन वो जो आदमी था उसने जिद किया इस बात पर अड़ा रहा कि शी हैड नॉट अंडरस्टूड वो समझी नहीं थी वॉट ही हैड हैड एक्चुअली एक्चुअली फॉर जो ही वास्तव में इसने मांगा था वो समझी नहीं थी ही देन वह पुरुष जो था जो लकड़ी बेच रहा था देन तब सेड उसने कहा दैट इफ़ शी कूडन पे यदि शिकूडन पे अगर वो पे नहीं कर सकती हेम उसको द एग्जैक्ट प्राइस एकदम सही सही प्राइस कीमत ऑफ हैंडफुल ग्रेन एक मुट्ठी ग्रेन का अनाज का देन तब शी मस्ट टेक डाउन तो उसको लेना होगा टेक डाउन मतलब वापस लेना होगा हर चैलेंज अपनी चुनौती को हर चैलेंज बोर्ड बोर्ड जो उसको चैलेंज बोर्ड लगाया हुआ तो उसको टिक डाउन वापस उतारना पड़ेगा एंड गिव हिम उसको देना होगा वन थाउजेंड गोल्ड क्वाइंस एक हजार सोने के सिक्के फिर क्या हुआ गेटिंग एंग्री गुस्साते हुए गेट मतलब होना गुस्सा होते हुए बिद्दूलता अक्यूज हिम बिद्धुलता ने उस पर आरोप लगाया ऑफ टॉकिंग बात करने का नॉन बिना मतलब की बातें द वेंडर सेट बेचने वाले ने कहा इट वॉज नॉट नॉन की ये नॉन नहीं था बकवास नहीं था एंड सिंस चूंकि शी हैड नॉट अंडरस्टूड चूंकि वो औरत या विद्युलता नहीं समझी थी हिज प्राइस उसकी कीमत को शी शुड कंसीड डिफीट उसे कंसीड करना चाहिए मान लेना चाहिए हार हियरिंग दीज वर्ड्स सुनते हुए इन शब्दों को विद्युलता स्टार्टेड विद्युलता शुरू कर दी गेटिंग होना फ्रस्ट्रेटेड फ्रस्ट्रेटेड मतलब बहुत बेचैन गुस्साए विद द वेंडर इस वेंडर से आफ्टर आवर्स ऑफ आर गोइंग घंटों के आर गोइंग या तर्क वितर्क के बाद दे डिसाइडेड उन्होंने निर्णय लिया टू गो टू द प्रोविंसियल कोर्ट जाने का प्रोविंसियल कोर्ट में जो क्षेत्रीय अदालत है उसमें जाने का उन्होंने निर्णय लिया फिर वहां क्या होता है द जज जो था जो जो न्यायाधीश था ठीक है ना वो क्या हुआ कि द जज हर्ड जज ने सुना सुनवाई की वॉट विद्युलता है वॉट मतलब जो विद्युलता है विद्युलता को कहना था उसको सुना एंड देन आस्ड और फिर उसने कहा द फायरवुड वेंडर लकड़ी बेचने वाले वेंडर को कहा टू गिव हिज एक्सप्लेनेशन अपना एक्सप्लेनेशन अपना बहस अपनी जवाब देने के लिए द वेंडर एक्सप्लेन बेचने वाले ने विक्रेता ने एक्सप्लेन किया समझाया दैट ही वॉन्टेड कि वो चाहता था हैंडफुल ग्रेन एक मुट्ठी अनाज विच मीन्स जिसका मतलब है अ सिंगुलर ग्रेन एक अनाज का दाना दैट वुड फिल जो भर देगा अ हैंड हाथ को सिंस चूंकि शी फेल्ड वो असफल रही टू तो अंडरस्टैंड दिस इस बात को समझने में विद्युलता वॉज बेस्टेड विद्दुलता को हरा दिया गया बेस्ट मतलब किसी को हराना विद्युलता को हरा दिया गया एंड देयर फोर अतः शी नीडेड टू टेक डाउन उसे ज़रूरी था टू टेक डाउन उतारना हर बोर्ड अपने बोर्ड को एंड गिव द वेंडर और वेंडर को देना था द थाउजेंड गोल्ड कॉइंस एक हज़ार सोने के सिक्के इम्प्रेस्ड बहुत प्रभावित द जज अग्रीड जज सहमत हुआ एंड द मैटर वॉज रिजोल्व इस बात को इस मुद्दे को निराकरण कर दिया गया सॉल्व कर दिया गया आफ्टर विद्युलता टुकडाउन विद्युलता जो है टुक डाउन मतलब वापस ले ली हर बोर्ड अपना वापस उतार ली उसके बाद शी द वेंडर उसने वेंडर से पूछा हु ही रियली वॉज वो कौन वास्तव में था डाउटिंग शंका करते हुए अ सिंपल फायरवुड वेंडर कि एक सिंपल फायरवुड वेंडर लकड़ी बेचने वाला विक्रेता कुड हैव बेस्टेड हर कि वो हरा सकता था उसको इस बात पर शंका करते हुए उसने ये पूछा था टेकिंग ऑफ इज डिस्गाइज अपना जो डिस्गाइज था मतलब नकली रूप तो डिस्गाइज अपना नकली रूप उतारते हुए तेनाली रामन रिविल्ड तेनाली रामन ने उजागर किया हिमसेल्फ अपने आप को ही वॉन्टेड टू टीच वो टीच मतलब पढ़ाना चाहता था दी एरोगेंट एंड स्नोबिस विद्युलता जो बहुत ही घमंडी और स्नोबिस मतलब अपने को श्रेष्ठ समझने वाली विद्दुलता को सिखाना चाहते थे अलेसन एक सबक इन बींग हम्बल हम्बल होने में विनम्र होने का सबक सिखाना चाहते थे लेसन लर्न और इस तरह से सबक वो सीख ली भी, भी लिया गया तो इसका मोरल ये है मोरल ऑफ द स्टोरी है इस कहानी की नैतिक शिक्षा ये है कि बी हम्बल बहुत विनम्र रही है अबाउट द टैलेंट्स अपने टैलेंट्स के बारे में एंड गिफ्ट्स और गिफ्ट्स के बारे में यू हैव जो आपके पास है ठीक है अब उस उसको लेकर आपको हम्बल रहना चाहिए बहुत उसका दिखावा नहीं करना चाहिए सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी और देखिए आप जितना पढ़ेंगे ना किसी भाषा को सीखने का रहस्य जो मिस्ट्री है जो की है टू लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज टू लर्निंग एनी लैंग्वेज एक्चुअली किसी भाषा को सीखने की जो कुंजी है वो यही है कि यू यू शुड रीड एज मच एज पॉसिबल आपको पढ़ना चाहिए जितना संभव हो सके है नो एंड स्टार्ट विथ सिंपल थिंग्स सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करिए एंड स्लोली एंड स्लोली धीरे एंड धीरे यू कैन मूव टू मोर डिफ़िकल्ट थिंग्स आप मूव कर सकते हैं और कठिन चीज़ों की तरफ लाइक यू कैन स्टार्ट रीडिंग न्यूज़ आप न्यूजपेपर्स पढ़ सकते हैं यू कैन स्टार्ट रीडिंग हिस्ट्री और जोग्राफी और पॉलिटी बुक्स ऑफ क्लास सिक्स सेवन्थ एट नाइन टेंथ राइट लेकिन देखिए धीरे धीरे प्रगति होगी जरूर होगी जरूर होगी इन इंडिया यू नो मोर देन फिफ्टीन करोड़ पीपल अंडरस्टैंड इंग्लिश पंद्रह करोड़ से ज़्यादा लोग इंग्लिश जानते हैं तो पंद्रह करोड़ बहुत बड़ी संख्या होती है इट्स अव्यूज नंबर यू नो सो हाउ कम ऑल दिस पीपल स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश हाउ कम दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश कैसे उनको आया